नमस्ते, मैं सीएमएसए से हूँ। मुझे पता चला कि आप बीजामृत से बीज उपचार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने आई हूँ। नमस्ते दीदी, मैं महबूब नगर जिले के थुमकिनपुर गांव में रहता हूँ। मैं आपको बीज उपचार के लिए बीजामृत बनाने की विधि के बारे में बताऊंगा। आप बीज उपचार क्यों करते हो? मिट्टी और बीजों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। बीजामृत बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है? 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 20 लीटर पानी, 1 भरा हुआ हाथ लाल चीटी द्वारा बनाया गया मिट्टी, 50 ग्राम चूना पाउडर। आप बीज उपचार के लिए बीजामृत कैसे बनाएंगे? 5 किलो गोबर को एक पतले कपड़े में रखकर ढीला बांध देंगे। अब इसको एक छड़ी से लगाकर लटकाएंगे। अब इस बंधे हुए गोबर को एक छड़ी की मदद से 20 लीटर पानी रखे हुए बाल्टी में 12 घंटे के लिए इस प्रकार लटकाकर छोड़ देंगे। इस तरह गोबर का तत्व पानी में आ जाएगा। अब इसमें लाल चीटी के मिट्टी को मिलाएंगे। अब 5 लीटर गोमूत्र मिलाएंगे, 50 ग्राम चूना पाउडर भी मिलाएंगे। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। बीजामृत अब तैयार है। आप इस घोल से अब क्या करेंगे? इसे बीज पर छिड़केंगे। बीजों पर बीजामृत छिड़कते समय इसे अच्छे से ऊपर और नीचे की तरफ हाथ घुमाते हुए मिला लेंगे। इन्हें अच्छे से मिलाकर छांव में 1 घंटे सुखाने के बाद इसको बोया जा सकता है। इसका उपयोग सिर्फ धान के बीजों के लिए होता है या अन्य फसल के बीजों के लिए भी? सभी प्रकार की बीजों का उपचार बीजामृत से किया जा सकता है। बीजामृत से उपचार करने के क्या क्या उपयोग हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बीज और मिट्टी से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हमें गोबर और गोमूत्र स्वस्थ मवेशी का लेना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 50 ग्राम चूना पाउडर इसमें मिलाया जाए, क्योंकि यह गोबर और गोमूत्र के अम्लीय गुणों को कम करता है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस के बारे में बताने के लिए पूरे सीएमएसए की तरफ से आपको धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, हर किसान को यह प्रैक्टिस अपनाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं होता।